एविक्शन की बात की जाए तो आई फाउंड इट अनफेयर, क्योंकि मैं अच्छा कर रहा था, अक्षरा भी अच्छा कर रही थी. शी हैज सेड दैट, उसने बहुत सोच समझ के कहा होगा, बिकॉज़ आई नो हर इनसाइड आउट. बहुत ही अच्छे इंसान है वो दिल की भी. अनफेयर हुआ तभी उन्होंने अनफेयर कहा. प्रिया बहुत अच्छा खेल सकती है अभी, शी इज लाइक अ लाइनर. मैंने सबसे पहले तो आपको कांग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगी, उस घर के अंदर इतने दिन रहना और उसके बाद पूरी तरह से अपनी परफॉर्मेंस के बाद आप बाहर हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फीलिंग जानना चाहूंगी किस तरह की, क्योंकि कई तरह की बातें हो रही हैं आप दोनों के ही इविक्शन की, आपकी बात हो या अक्षरा की बात हो, कितने लोग इसे अनफेयर कह रहे हैं, क्या है आपकी राय, पहले तो ये जानना चाहूंगी. पहली बात तो मैं बहुत खुश हूँ बाहर आके. बहुत ज्यादा ही हेक्टिक था वो, बहुत ज्यादा ही यू नो प्रेशराइजिंग एटमॉस्फेयर था वो. इतना प्रेशर मैंने अभी जिंदगी में अपनी कहीं देखा नहीं था, तो इट वॉज न्यू टू मी. दैट्स वाई आई टुक अ वीक टू स्टडी द गेम, बिकॉज इन सबको गेम के बारे में ओवरव्यू पता था, बट आई टुक अ लिटिल लॉन्गर टाइम. एंड दैट्स हाउ आई एम, यू नो, आई स्टडी थिंग्स, आई यू नो एनालाइज हाउ टू बी प्लेड, एंड आई प्ले विद ऑल माई डिग्निटी, ऑल माई जेन्युइननेस. तो हाँ, बहुत अच्छी फीलिंग है बाहर आके. यस, एविक्शन की बात की जाए तो आई फाउंड इट अनफेयर, क्योंकि मैं अच्छा कर रहा था, अक्षरा भी अच्छा कर रही थी. टास्क में हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, प्लानिंग प्लॉटिंग भी बहुत पॉजिटिवली, बहुत अच्छे लेवल पे, जो ऑडियंस फ्रेंडली आई थिंक प्लानिंग है वो हम कर रहे थे. वी डिडंट वांटेड टू बी सो अगली, यू नो, एंड दैट्स अगेंस्ट माई प्रिंसिपल्स टू गेट अगली एंड दिस एंड दैट. तो हाँ, तो बहुत मिक्स ही फीलिंग है. इट वॉज अ शॉकिंग येट फ्रेश जर्नी फॉर मी. अच्छा, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से घर से बाहर आने के बाद अक्षरा ने कहा कि जो कुछ ब्लेम गेम्स हुए थे वहां पर और कुछ चीजें होती रहती है अक्सर ही हम देखते हैं वीकेंड का वार में, तो आपको कितना सही लगता है, कितना बायस लगता है, इन सारी चीजों को बहुत सारा तूल दी जा रही है, तो आपके हिसाब से कितनी सही है, कितनी गलत है? अक्षरा का मैंने वो देखा कि उन्होंने कहा कि जो ऑडियंसेस बोल रही थी वो दे वर एक्चुअली फ्रॉम द टीम. जी. मैंने अभी तक ज्यादा उसके बारे में पढ़ा नहीं है, जानकारी मुझे है नहीं. बट इफ शी हैज सेड दैट, उसने बहुत सोच समझ के कहा होगा, बिकॉज आई नो हर इनसाइड आउट. बहुत ही अच्छे इंसान है वो दिल की भी. अनफेयर हुआ तभी उन्होंने अनफेयर कहा, और दैट्स हाउ आई फील कि यस, अनफेयर था. बायसनेस तो नहीं, बट थोड़ा सा अनफेयर था. ओके, आपके ओवरऑल गेम की अगर बात की जाए, काफी अलग अलग शेड्स दिखने को मिले हमको आपके भी पर्सनली, तो क्या कहना चाहेंगे, पहले जो कनेक्शन था वो नेहा के साथ था, फिर धीरे धीरे वो गेम बदला, फिर उसके बाद हमने देखा कि आपसे अक्षरा की काफी अच्छी ट्यूनिंग हुई, और घर के बाकी बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट, जुशान की ही क्यों ना बात की जाए, तो क्या कहेंगे कि किस तरह से ओवरऑल आपको अगर सम अप करना होगा तो आप क्या बताना चाहेंगे? बहुत ही एक्साइटिंग रहा है. कनेक्शंस की बात की जाए तो यस, नेहा इन अ वे ओपन माय आईज कि एवरी म्यूजिशियन इज नॉट द सेम. अगर नो मैटर आप संगीत से ताल्लुक रखते हैं, संगीत की पूजा करते हैं, संगीत को रिस्पेक्ट करते हैं, बट दिल मेरे जैसा किसी का भी नहीं था उस घर में. तो इस बात में मैं बहुत प्राउडली इसको याद करता हूँ कि द पर्सन विद द ग्रेटेस्ट नाइसेस्ट हार्ट वॉज ओनली मी. अक्षरा ने दोस्त बन के मुझे सेव किया, और यू नो आई वॉन्ट टू सेट एन एग्जाम्पल कि दोस्ती हो तो, अगर दो लड़का लड़की के बीच में भी दोस्ती होती है तो मिलिंद और अक्षरा ऐसी होनी चाहिए. दैट्स वाई आई यू नो बैग्ड हर एवरी टाइम. वो अगर गलत भी गई तो मैंने उसको बताया. हाँ, ये नेहा गलत जाती थी, मैं उसको बताता था, वो सुनती नहीं थी, तो आई जस्ट लेफ्ट इट. तो ठीक है, बहुत बहुत अच्छा हुआ नेहा मेड मी स्पीक. जिसकी जिस जो उन्होंने मेंटल प्रेशर दिया मुझे, दैट मेड मी स्पीक एंड दैट मेड मी शो डिफरेंट शेड्स ऑफ माइंड. तो या ओके, आपसे जानना चाहूंगी कि घर के अंदर जो कनेक्शन थे वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे सॉफ्ट कॉर्नर्स में और बदल रहे थे. इन अ वे आप भी जानते हैं कि किस तरह से घर वाले कितने क्लोज होते जा रहे थे,
नेहा का भी एक साइड देखने को मिला, उनको प्रतीक की तरफ काफी झुकाव दिखा। वहीं शमिता और अगर राकेश की बात की जाए तो वो दो, उनका भी क्लोजनेस साफ तौर पे दिखाई देता है। एंड सेम फीलिंग कहीं ना कहीं अक्षरा की भी थी प्रतीक के लिए, वो काफी सॉफ्ट कॉर्नर फील करती थी। तो ये जो कनेक्शन घर में बने थे, क्या आपको लगता है रियल लाइफ का ये कनेक्शन थे या फिर सिर्फ शो के लिए है ये सारी चीजें? देखिए, जो रियल लाइफ कनेक्शन था वो तो पिछले हफ्ते बाहर हो गया, इस हफ्ते बाहर हो गया। वो मेरा और अक्षरा का था। एंड आई कैन प्राउडली से कि यू नो दोस्ती इज द बेस्ट थिंग अपार्ट फ्रॉम जीशान एंड निशांत। मैं अक्षरा से बहुत क्लोज फ्रेंडशिप में हूँ अभी भी और रहूंगा जिंदगी भर, बिकॉज आई वैल्यू माई फ्रेंड्स बहुत ज्यादा। जो अभी कनेक्शन दिख रहे हैं आपको, मेरी नजर में वो सारे फेक हैं। मेरी नजर में वो दे आर ऑल यूजिंग ईच एंड एवरी वन टू स्टेप अहेड, यू नो, एक दूसरे के कंधे पे पांव रख के वो आगे जाना चाह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई रियल कनेक्शन है। अच्छा, जैसे आपने कहा कंधे पे पांव रख के चल रहे हैं सब, अब तो कनेक्शन टूट भी गया है। एक जहां रीसेंट प्रोमो में हमने देखा कि सारे कनेक्शन जो है वो खत्म हो गए और शायद सबके रियल साइड दिखाई दे, तो आपको क्या लगता है कौन है जो वो सबसे ज्यादा अदर साइड दिखा सकता है अब जब कनेक्शन नहीं है घर में? तो आई थिंक मैं पहले तो दिव्या का नाम लेना चाहूंगा, क्योंकि मतलब मुझे लगता है कि यार उसको प्ले ग्राउंड ही नहीं मिला खेलने के लिए, यू नो, द काइंड ऑफ गेम शी हैड बीन प्लानिंग फॉर हरसेल्फ, उसको मौका एक्सपोजर ही नहीं मिला खेलने के लिए। तो दिव्या बहुत अच्छा खेल सकती है अभी, शी इज लाइक अ लाइनर्स, बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी बना के बहुत अच्छा अच्छे से, यू नो, शी कैन एस इट अप। दूसरा मैं देखना चाहूंगा द रियल राकेश बापट, क्योंकि अभी जो था राकेश भाई वो मुझे लगा कि दैट्स नॉट हिम। मुझे लगा कि वर्ड्स आर बीइंग पुट इन हिज माउथ एंड यू नो ही इज ट्राइंग टू स्पीक अप, बट नहीं, अब जो कनेक्शन इंडिविजुअल हो गया है तो आई थिंक रियल राकेश बापट निकल के आएगा। ओके, अगर मिलन कुछ खोया और पाया की बात की जाए घर के अंदर जाने के, कुछ चीजें सीखी हो आपने, कुछ चीजें आपको पता चली हो, क्योंकि हमने एक ऐसा समय भी देखा था जहाँ पे आप बैग लेके बस बाहर जाना चाहते थे घर के, तो क्या कहेंगे कि किस तरह से आप इसको बताना चाहेंगे? मैंने कुछ भी नहीं खोया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी फ्रैंक अपफ्रंट, कुछ भी नहीं, एक चीज भी नहीं खोई, बल्कि मैं यहाँ से हजारों दिलों में जगह बना के निकला हूँ, यू नो, आई हैव वॉन ऑल द हार्ट्स। See, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि कोई पहले हफ्ते निकलेगा, कोई दूसरे हफ्ते निकलेगा, कोई पांचवे छठे निकलना, तो इट इज द गेम, इट इज लाइक दैट। बट विनिंग और लूजिंग की बात आती है तो क्या इम्प्रेशन बना के आप निकलते हैं दुनिया के सामने और घर वालों के सामने, दैट इज व्हाट इज मैटर्स मोस्ट टू मी। तो मैं लाखों दिल जीत के निकला हूँ, शोहरत और ये खिताब खुदूब जो भी, ये तो आने जाने चीजें हैं, बहुत मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, बट व्हेन यू नो व्हेन पीपल गेट कनेक्टेड फ्रॉम हार्ट टू यू, आई थिंक वो सबसे दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। पैसे बंदा कुछ भी करके कमा लेता है बट बंदे कमाने बहुत मुश्किल है, तो ये जीत के निकला हूँ मैं, ये पा के निकला हूँ मैं। क्या सोचा है क्या करने वाले हैं, बिग बॉस सब बाहर आ गए हैं, तो किस तरह की चीजें आपने सोच रखी है कि अब आपको करनी है? I think back to basics, my old routine, music, of course, producing songs, acting in it, acting projects are in kafi and I'm considering many of them. Dusra, I'm looking forward to meet my family, to meet my life partner, spending some great time with them. So, yeah. Okay. Aapke hisab se lastly, kya lagta hai, kaun aage tak tik payega aur kiski journey ab aage wale aane wale episodes mein khatam ho sakti hai? मैं किसी का नाम नहीं लूंगा कि किसकी जर्नी खत्म हो सकती है कि नहीं हो सकती, वो तो थोड़ा सा मेरे लिए भी, यू नो, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो मुझे लगता है कि निशांत को जरूर आगे जाना चाहिए, निशांत बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत सूझबूझ से खेल रहे हैं, सबसे बड़ी बात की वो इमोशंस अपने जो है वो बाहर रखे हैं, तो या निशांत को काफी आगे जाना चाहिए। आई वॉन्ट हिम टू गो। ओके, लास्टली वन मैसेज टू ऑल द व्यूअर्स, और इस बार आपने क्या सोचा है गणपति में क्या कुछ करने वाले हैं? ओके, इस बार ढेर सारी मस्ती होने वाली है, जैसे हमारे दिल्ली में भी यू नो गणपति जी आते हैं और बहुत उनका स्वागत बहुत धूमधाम से किया जाता है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गुड स्वीट्स, अगर यहाँ पे जब जाने से पहले अगर हुआ तो मैं मोदक वोदक लेके जाऊंगा अपनी फैमिली के लिए।
लास्टली आई वांट टू थैंक ईच एंड एवरीबॉडी जिसने मेरे लिए वोट किया अपने दिन में से कीमती समय निकाल के 24 घंटे सातों दिन मुझे देखा, मुझे वोट किया, सपोर्ट किया. अभी भी दे आर यू नो लाउड अबाउट इट कि गाबा शुड बी इन, यू नो गाबा'स इविक्शन इज अनफेयर. तो या आई वांट टू थैंक एवरीबॉडी.